यस स्टार्ट करते हैं जेई मेन 9 अप्रैल शिफ्ट 2 का पेपर का डिस्कशन। ये पेपर भी शिफ्ट 1 जैसा ही था और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था। क्वेश्चन अगेन बिल्कुल फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड थे, यानी अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आप इजीली कर सकते थे। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन एक लिखा है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, ये स्पेशल सीरीज जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो आपको याद होगी कि मैंने बोला था स्पेशल सीरीज में जैसे इसमें अप टू 11 टर्म बोला है तो आपको एन टर्म तक का बताया था और साथ में ट्रिक बताई थी कि अगर एन बोले तो वैल्यू से करना नहीं तो मेथड आना चाहिए। अब देखिए ये 2 3 है, ये 3 5 है तो ऑब्वियसली यहां पर 1 × 1 होगा, तो 1 2 3 4 एक अलग सीरीज है, 1 3 5 7 सेपरेट सीरीज। अगर मैं आपसे इसको बोलूं कि एन टर्म लिखो तो 1 2 3 का एन, 1 3 5 का 2n-1 एंड दिस इज 2n² - n। इससे डायरेक्टली मैंने आपको बताया था अगर SN पे जाएंगे तो डायरेक्टली 2σn² - σn, एंड σn² और σn चीज कॉमन होती है वो है n, n प्लस 1/2, तो यहां पर मिलेगा 2 × 2n + 1/6 होता है तो एक 2 आप पहले ही कॉमन ले चुके हैं तो बाय बचेगा 3, राइट। एक्चुअली मल्टीप्लाई हो गया, यहां मिलेगा -1। अब इसके बाद कुछ भी मत करिए, आपको n अप टू 11 टर्म बोला तो n के प्लेस पे 11 रख दीजिए, तो 11 × 11 + 1 = 12। यहां पर जब आप रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर आपने रखा 11 तो 11 × 22 = 23 = 46 - 3 यानी 43/3, राइट। ये 6 से ये 2 टाइम कैंसिल, एक तरह से ये मिल गया 11 × 86। अब आप 11 × 86 मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड में यूनिट डिजिट 6 आएगा और 6 में एक ही है तो करेक्ट आंसर इज 9। बाकी कोई प्रॉब्लम सीधा हो जाएगा 860 + 86 ऐड कर लेंगे आप तो ये हो जाएगा 946। बट इतना भी करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको समझ में आ गया कि 6 × 1 6 एक ही ऑप्शन के यूनिट डिजिट में 6 है उतने आंसर दे सकते हैं। याद रखिएगा स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर एक चीज इस पर डिपेंड करती है कि आप किस स्टेप के साथ करते हैं। सपोज आप ऐसा लिखते हैं 2n + 1, पहले मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताऊंगा फिर मैं स्टेप्स लिखूंगा, -n × n + 1/2। अब यहां पर भी n की जगह 11 लिख सकते थे, कॉमन ले सकते थे, पर मेंटल वर्क ज्यादा होगा तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ेंगे। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, डोमेन बेस्ड क्वेश्चन है। द डोमेन ऑफ द फंक्शन f = 1/(x²−4+ln(x³−x) अब देखिए ये 2 फंक्शन है, ऑपरेशन ऑन फंक्शन जब हमने पढ़ा था f + g(x) का तो रूल ये है कि दोनों का इंडिविजुअल डोमेन का कॉमन पार्ट। अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूं तो एक चीज समझ में आती है कि p/q में ये सब बेसिक कंसेप्ट बताए हुए थे, देखिए बिल्कुल वही चीज आई है जो सब बताया हुआ है, तो एक्सेप्ट मतलब x की वैल्यू ±2 नहीं होगी। अगर इसकी डोमेन पूछी होती अकेले तो आप बोलते और रियल नंबर एक्सेप्ट ±2, बट जब लॉग की बात की जाए लॉग की फंडामेंटल डेफिनेशन हमने पढ़ी है x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स x³ - x इज, इन इक्वेशन सॉल्व करने के बिल्कुल प्रॉपर टेक्निक्स आपको बताई हुई है आप यूज करिए। देखिए जो फंडामेंटल पढ़ाया अगर उसको यूज कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक रूट है -1, एक है 0, एक है +1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब आपको पॉजिटिव चाहिए ये वाला और ये सेट है, अब माइनस तो यहां आता है पर -2 इंटरवल का पार्ट नहीं है तो इसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई, +2 जरूर यहां आता है तो क्या करेंगे आप, पहला तरीका आप लिखेंगे डोमेन इज -1 to 0, ये पूरा हो जाएगा union of 1 to 2 union of 2 to infinity, आइदर ऐसा भी लिख सकते थे -1 to 0 union of 1 to infinity except 2, -2 तो ऑलरेडी नहीं है इस इंटरवल में सॉल्यूशन सेट में, केवल +2 की बात थी तो +2 को आपने एक्सेप्ट कर दिया, क्लियर है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए एरिया बाउंडेड बाय कर्व का है और अगर आप देखें तो हर शिफ्ट में इनइक्वालिटी बेस्ड ही एरिया बाउंडेड बाय कर्व का आया था क्वेश्चन और मैंने आपको उसमें बताया था कि केवल आप इक्वल मान के करना है, जैसे y² = 2x ऐसा एक समझ लीजिए कर्व दिया और एक दिया x = y+4 या ऐसा भी बोल सकते हैं आप x - y = 4, राइट, इक्वल मान के करना है। इनइक्वालिटीज में बस लेस देन में बिलो और ग्रेटर देन में अबव होता है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं। तो सबसे पहले y² = 2x की बात करूं तो कुछ ये वाला कर्व बन गया, बिल्कुल सिंपल नहीं है जो कल के फर्स्ट शिफ्ट में था, और x - y = 4 का मतलब यहां पर हो गया कि y पर और x पर इस तरह की लाइन, राइट, तो ये एरिया आपको निकालना है।
अब अगर मैं इसको y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालू, बिल्कुल कल इसी तरह का क्वेश्चन था, वर्टिकल था ये, वो हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल है, बस आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे तो आप डायरेक्टली लाइन के एरिया में से ये E1 और E2 मैंने आपको बताया था ये माइनस करने हैं, ये एडवांटेज है। अगर हम देखें यहां पर तो सबसे पहले एक चीज समझिए, y का वैल्यू कितना है, y इक्वल टू है हमारे पास x-4। यहां अब इसको हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, देखिए स्टिप किसकी है, dy की, जब भी dy की स्टिप हो तो x निकालना है, तो यहां से x की वैल्यू रख दीजिए तो y स्क्वायर इक्वल टू 2y+8 यानी y स्क्वायर -2y-8 इक्वल टू 0, तो y-4 इंटू y+2 इक्वल टू 0, यानी एक वैल्यू आ गई -2 और एक आ गई, इसका मतलब ऑब्वियसली ये 4 होगा 0 4, और ये कितना होगा, ये 0 -2 होगा। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, -2 से 4 में लाइन को इंटीग्रेट करिए तो x की वैल्यू रखना है dx माइनस ऑफ -2 से 4 में पैराबोला, पैराबोला का x कितना है y²/2 dx, इसको सॉल्व करना है। अब मैंने आपको जो कल बताया था बिल्कुल वैसा ही है ये प्रीवियस क्लास में, जो प्रीवियस पेपर में, कि इन दोनों को हम क्या करें, इनको एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही सेम है इनफैक्ट ये, तो y²/2+4y-y³/6 दिस इज 4 2-2, एक बार में ही कर लीजिए, राइट। अब बस केयरफुली होकर रखिएगा, 4 रखिएगा, 16/2 8+16 -4³ 64/6 यानी 32/3, राइट, माइनस ऑफ, अब 2 रखिए तो 4/2 2-8 ये हो जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा +8/6 यानी 4/3, इज दैट क्लियर। अब देखिए ये हो गया 24, अब ऐसे करिएगा आप 24-6 तो +6 हो जाएगा ये, और क्या क्या बचा, -32/3 -4/3, राइट। क्या होता है कि आप अल्मेसरी पूरा एलसीएम लेने उसकी जरूरत नहीं, ये हो जाएगा 36/3 मतलब -12, राइट, माइनस ऑफ ये, सॉरी ये कितना था, अच्छा 2 सब्ट्रैक्ट हो गया था, 24, ये 24 माइनस 2 है, 24 ये देख लीजिए, ये 24 है सॉरी, और ये कितना है माइनस ऑफ 6 है, तो +6 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, सही कर रहे थे हम, 24 एंड देन प्लस ऑफ 6 यानी 30 माइनस ऑफ 12, तो करेक्ट आंसर इज 18, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है, द पॉइंट लाइंग ऑन कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स, टू सर्कल उनका आपको बताना है टेंजेंट का पॉइंट कौन सा होगा जो सेटिस्फाई करेगा। आप देखो सर्कल इंटरनल टच भी कर सकते हैं, टचेस एक्सटर्नली भी हो सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, आप S1-S2 इक्वल टू जब 0 करते हैं तो आपको डायरेक्टली टेंजेंट का इक्वेशन मिलता है, इसका मतलब आप डायरेक्टली इसको माइनस करो तो x²/y² की जगह 4 भी लिख सकते हैं, तो 6x+8y-20 = 0 या 2 से कैंसिल कर दें, 3x+4y-10 = 0। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, राइट, आपके कॉन्फिडेंस के लिए भी बता दूंगा कि सर्कल इंटरनली एक्सटर्नली, पर आप ये कर सकते हैं क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा, डायरेक्टली टेंजेंट तो निकलेगी ही जब बोला है, अब उस पर पॉइंट देखना, तो अब ऑप्शन ए रखूं मैं तो 6+16 नहीं है, बी पे आ जाओ 12+24 नहीं है, सी पे आ जाओ 4 12-8-10 ये भी नहीं है, इस पे आ जाओ 18-8-10 दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। अब की अगर आप ऐसे करते तो आपको पहले देखना होता है कि सर्कल की पोजीशन क्या है, तो इसका सेंटर है 0 0, रेडियस है 2 यूनिट, अगला जो सर्कल है इसका सेंटर है -3 4 और रेडियस है 9+16+24 यानी 7। अगर मैं आपसे बोलूं इन दोनों का डिस्टेंस निकालो, C1 C2 5 है यानी R1-R2 = C1 C2 आ रहा है, मीन सर्कल टचेज इंटरनली, तो S1-S2 = 0 से जो मिलेगी इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट जो ये लिखी हुई है मैंने, और इस पर जो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है वो करेक्ट आंसर होगा। यानी क्वेश्चंस को समझो कितने सिंपल क्वेश्चन है, जब कॉमन टेंजेंट बोला ही था तो S1-S2 = 0 से कॉमन टेंजेंट मिलती है, पहले वो निकाली, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कितना है, और उसमें ऑप्शन के हमने पॉइंट को सेटिस्फाई कर दिया। बाकी अगर आप देखें तो सर्कल टचेस इंटरनली की कंडीशन आती है।
नोट कर लीजिए क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लगभग हर पेपर में इसी तरह का क्वेश्चन आया है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एम स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एम प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो इफ सम ऑफ रूट इज मैक्सिमम. इफ सम ऑफ रूट इज मैक्सिमम मीन्स हो गया कि अल्फा प्लस बीटा कब मैक्सिमम होगा ये बोला गया है. ओके, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब आपसे पूछा है. लॉजिक देखें तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब को हम ऐसा लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा सॉरी प्लस अल्फा बीटा. इसको भी फाइनली ऐसा लिखेंगे अल्फा प्लस ये सब आपको डायरेक्ट बताए हुए हैं माइनस टू अल्फा बीटा माइनस फोर अल्फा बीटा. और इसको आप लिख सकते थे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर राइट माइनस टू अल्फा बीटा तो यानी माइनस अल्फा बीटा बचेगा. और इसका भी आपसे बेसिकली मॉड पूछा गया है. अब सुनिए इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो बता दो. सबसे पहले अगर हम देखें तो सम ऑफ रूट्स कितना होगा अल्फा प्लस बीटा एम स्क्वायर वन और अल्फा इंटू बीटा क्या है एम प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन. अब आपको बोला है कि अल्फा प्लस बीटा मैक्सिमम ये जब भी हो सकता है मैक्सिमम एम स्क्वायर प्लस वन है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा. ठीक एम जीरो रखोगे तो ये वन होगा. इसका मतलब कि अगर मैं एम की वैल्यू जीरो ले लूं तो ये मैक्सिमम होगा क्योंकि उसके अलावा तो कम हो जाएगा. तो एम की वैल्यू जीरो पर ये थ्री होगा और एम की वैल्यू जीरो पर ये वन होगा तो यहां रख दीजिए आप तो थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस फोर राइट इंटू थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस ऑफ वन यानी फाइनली एट रूट फाइव इज अ राइट आंसर. कितना अच्छा समझने वाला क्वेश्चन था. पूरा कंसेप्ट इस पे बेस्ड था कि आप नहीं तो उलझ जाते कि ये मैक्स कब होगा. ये बोला है आप डिफरेंशिएशन कर सकते थे पर जरूरत नहीं है. ये मैक्स जब होगा जब ये मिनिमम होगा. ये मिनिमम कब होगा ठीक जीरो पर. उस केस में ये थ्री मिलेगा और उस केस में ये वन मिलेगा. वो वैल्यू पुट अप कर दी आपका आंसर आ गया राइट. नोट डाउन दिस क्वेश्चन.